दुनिया के दिग्गज निवेशकों की बात होती है तो वॉरेन बफे और चार्ली मंगर का नाम जरूर आता है। चार्ली मंगर को वॉरेन बफे का राइट हैंड माना जाता है। वॉरेन बफे के फैसलों के पीछे चार्ली मंगर का दिमाग माना जाता है। अब निवेश के बड़े फैसले वॉरेन बफे को अकेले लेने होंगे। 99 साल की उम्र में चार्ली मंगर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। मंगलवार की रात कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। मंगर का जन्म 1 जनवरी 1924 को हुआ था और आने वाले नए वर्ष में वे 100 साल के हो जाते। चार्ली मंगर एक वकील थे और उन्होंने हार्वर्ड से वकालत की थी। मंगर वकील होने के साथ साथ ही रियल एस्टेट में भी माहिर थे। उनके पिता भी एक वकील, जज और फिर जन प्रतिनिधि रहे थे। चार्ली मंगर लॉस एंजलिस की एक रियल एस्टेट फर्म टोल्स एंड ऑल्सन में पार्टनर रहे थे। 1978 में उन्होंने बर्कशायर हैथवे में आने के लिए वॉरेन बफे के साथ हाथ मिलाया और उसके बाद उन्होंने दिन दुनी रात चौगनी तरक्की की। मंगर की ही सलाह पर बर्कशायर हैथवे ने चीनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD में निवेश किया था। चार्ली मंगर के निवेश स्ट्रैटेजी की दुनिया भर के निवेशक कायल हैं। वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी काफी पॉपुलर है। बर्कशायर हैथवे में चार्ली मंगर वाइस चेयरमैन थे। फोर्ब्स की 2023 की लिस्ट के अनुसार उनकी नेटवर्थ $2.6 बिलियन यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए थी। मंगर के निधन पर उनके साथी वॉरेन बफे ने दुख जताया। वॉरेन बफे ने कहा कि बर्कशायर हैथवे आज जहां है वो कभी नहीं होती। चार्ली के सहयोग, बुद्धि और प्रेरणा ने ही उसे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। चार्ली मंगर ने वॉरेन बफे की मदद करने के लिए अपनी जमी जमाई वकालत छोड़ दी थी। वॉरेन बफे उनसे काफी जूनियर थे। उन्होंने ही नुकसान में चल रही टेक्सटाइल कंपनी को एक इन्वेस्टिंग कंपनी में बदलने का तरीका सिखाया। वॉरेन बफे ने एक बार खुद चार्ली के ब्लूप्रिंट को दुनिया को बताया था। चार्ली मंगर कहते थे कि फेयर बिजनेस को वंडरफुल प्राइस पर खरीदने की समझ को भूल जाओ, उसकी जगह वंडरफुल बिजनेस को फेयर प्राइस पर खरीदना शुरू करना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हमेशा अच्छे कारोबार को फेयर प्राइस पर खरीदना चाहिए, तभी निवेश पर मोटा मुनाफा होगा। नॉर्मल कारोबार को ऊंचे दाम पर खरीदने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो चार्ली मंगर ही थे जिन्होंने वॉरेन बफे को संकट में फंसी कंपनियों को भारी डिस्काउंट पर खरीदने की रणनीति बनाकर दी थी। वॉरेन बफे के लिए 1950 के दशक में इस रणनीति ने बहुत काम किया। बफे की इस स्ट्रेटेजी को सिगार के बट खरीदना कहा गया। ऐसा सिगार बट जिसमें बस एक कश बाकी बचा हो। मगर मंगर और बफे की 60 साल की इस साझेदारी का नतीजा है कि आज बर्कशायर हैथवे के पास GEICO जैसे बड़े इंश्योरेंस कंपनी हैं, वहीं कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, IBM, वेल्स फार्गो और दुनिया भर की कंपनियों में हिस्सेदारी है। वहीं 3,72,000 से ज्यादा इम्प्लॉयज की जिंदगी का सहारा भी है कंपनी। चार्ली मंगर अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। चार्ली मंगर की 2 शादियां हुई। पहली पत्नी से उन्हें 2 बेटियां हुई, फिर दूसरी शादी से उन्हें 1 बेटी, 3 बेटों और 2 सौतेले बेटों की सौगात मिली। इतना ही नहीं, उनके 15 नाती पोते और 7 परपोते और परनातियां हैं। उनकी पत्नी नैन्सी का देहांत 2010 में हो चुका है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।